सहना वो सहनऊुन सह वीर कर्वा वहै तेजस्वीनावधी तमस्तु मिशाई शाति शांति शाति वैदिक जीवन पद्धति के अनुसार हम वेदोक्तवाणी व्यवहार इस विषय में आगे बढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं क्योंकि कल्याणी वेदवाणी का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना और अपने मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का आर्यों का परम कर्तव्य है जब तक हम अपने मन और वाणी को अपने कर्मों को ठीक नहीं करेंगे तो हमारा जीवन तब तक श्रेष्ठ नहीं बन सकता उत्तम नहीं बन सकता हम अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए इसके सुधार उद्धार के लिए इस भावसागर से पार जाने के लिए अपने व्यवहारों में जितनी निर्मलता जितनी निश्चलता जितना हम दिव्य भव्य भाव रखेंगे उतना उतना हमारा अतिशय कल्याण होता चला जाएगा कल्याण कौन नहीं चाहता कल्याण सभी चाहते हैं लेकिन कुछ बिरले लोग ही आगे बढ़ पाते हैं जो संकल्प लेते हैं संकल्प पूरा करने वाले कितने लोग होते हैं संकल्प पहली बात तो जो बुजदिल है जो कमजोर है जो विवेकहीन व्यक्ति हैं वो संकल्प लेते नहीं वो बस चलते रहते चलते रहते बस कोई दिशा नहीं कोई उनकी फिर दशा भी नहीं होती है और वो दुर्दशा को प्राप्त हो जाते हैं उत्तम दिशा उत्तम दशा नहीं हो पाती है हम जो है जीवन को ऐसा जिए जो प्रकाश से युक्त तो हो हमारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए हमारा जीवन हमारा कृतित्व हमारा व्यक्तित्व हमारा सहअस्तित्व एकत्व का भाव जीवन की दिव्यता और जगत की दिव्यता के लिए होना चाहिए आत्म कल्याण से विश्व कल्याण के लिए होना चाहिए इसलिए वेद का स्वाध्याय ये जो हमको मंत्र अलग अलग दिशा से अलग अलग प्रकार से जो आ, दिशा देते हैं और हमको सदा ही उत्तम उत्तम कर्म के लिए प्रेरणा देते हैं हम उसको सदा करते चले जाएं तो निःसंदेह जीवन की सार्थकता होगी हम अभ्यास कर रहे हैं स्वाध्याय कर रहे हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल का और प्रथम मंडल में हम एक सौ बारहवें सूक्त के चौबीसवें मंत्र को आपके समक्ष रखेंगे आज जिसमें वाणी का अत्यंत जो है महत्व बताया है जो है वेद वाणी के अनुसार कर्म करें और अपनस्वती वाणी जो है बहुत सुंदर बात कही है प्रशस्त कर्मों वाला हम बने और हम असमें हमारी जो वाणी हो वह सदा ही उत्तम उत्तम ही हमको बनाती चली जाए वेद मंत्र लिखता हूँ फिर चर्चा करता हूँ ओम अपना स्वती मश्विना अपना अपन स्वतीमश्विनावाचमस्मेतम नो

अद्युत वसे अद्वितीय अवसे नि हुए, हुए वाम वृद्धे च वाम वृद्धे च नो भवतम वाज सात ऋग्वेद के प्रथम मंडल का एक सौ बारवा सूक्त है यह जिसका चौबीसवा मंत्र है ओ... वाचमस्मे वाचमस्मेतम नो दसरा वृषणानीषा वाम चा चानो वाज सात हे अश्विना प्राणापानो अस्मे हमारी वाचम वाणी को हमारी वाणी को प्रशस्त कर्मों वाला कृतम कीजिए जैसे पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि मनुष्य के कर्मों का जो साधन है वो तीन प्रमुख साधन हैं मन वाणी और शरीर अब जैसे देखना भी एक कर्म है सुनना भी एक कर्म है खाना सूंघना स्पर्श करना जो भी ये भी कर्म है लेकिन ये सब शारीरिक कर्म में आ जाएंगे मन से चिंतन करना अब कोई चीज देख भी रहे तो भी चिंतन तो चल ही रहा ना मन में मन वाड़ी वाणी से दो कार्य होते हैं एक तो हम बोलते हैं दूसरा रसन जो स्वाद लेते हैं खट्टा मीठा चरपरा जो भी तो कर्म करने के साधन के रूप में जो मन और वाणी और शरीर तो यहां पर कहा कि हमारी वाणी को अपना स्वीति प्रशस्त कर्मों वाला कीजिए हम वाक वीर ही ना बने जो कुछ बोले उसके अनुसार कर्म करने वाले हो ये सबसे बड़ी बात है कुछ लोग तो इतना बोलते ही इतना बोलते हैं और करते कुछ नहीं वाकवीर भी बने रहते हैं जब वीरता धीरता गंभीरता की बात आती है तो फिर नजर नहीं आते मैदान छोड़कर के भाग जाते हैं लेकिन बातों से तो ऐसा जो है समुद्र पर पुल बांध देते हैं ऐसा लगता है कि जो है ना चारों ओर से अमृत की वर्षा हो रही है और इनकी वाणी इतनी जो है पवित्र है कि ये वास्तव में बहुत ही ब्रह्मजानी व्यक्ति है लेकिन वो वागवीर करने के कुछ नहीं पर उपदेश कुशल बहुतेरे कई तो ऐसे लोग होते हैं कि जो केवल बोलते रहते बोलते रहते सुनना पसंद नहीं करते लोग सुनना भी नहीं चाहते तो भी जबरदस्ती जब तक दो चार लोगों को ढूंढ करके जो है अपनी बात नहीं रखेंगे बोलेंगे नहीं तब तक उनकी रोटी हजम नहीं होती कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा बिगड़ जाता है कि किसी ने कुछ उनसे बोल दिया तो वो बात उनको हजम नहीं होती जब तक दो चार पाँच दस लोगों को बता ना दे अब इसमें कितनी सत्यता है जो महिलाओं को कोई बात बता दे तो वो पूरे गांव में उस बात को जरूर बोल देंगी और ये भी साथ साथ बोलती जाएंगे कि नहीं, 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 ये, ये किसी को बताना नहीं केवल आपको मैं बता रही हूं बस पुरुष भी है ऐसा वो भी करते हैं लेकिन ये जो बात कही जा रही है कि हम जो बात बोले उसको जीने का ही जो है सामर्थ्य रखने वाले हो अर्थात ऐसी बात कभी ना बोले जो स्वयं हम करते नहीं जो स्वयं हम जी नहीं सकते जो हम स्वयं अपने स्वभाव में नहीं उतार रहे हैं दूसरों को उपदेश दे रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए और जिस वाणी का हम प्रयोग कर रहे हैं उस वाणी का जो संयम है मर्यादा है उसका अनुशासन है उसको सदा ही ध्यान में रख करके वाणी व्यवहार करें हम केवल बोलने वाले नहीं बग बग करने वाले नहीं अब कुछ ऐसे होते हैं कि बस बोलते रहते हैं वक्ता भी बड़े ही अजीब किस्म के कुछ होते हैं कि कोई बस उनको हाथ में माइक मिल जाए मंच मिल जाए तो चाहे जो है कोई व्यक्ति सुने ना सुने वो बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे कहीं जो है कोई कथा हो रही थी और ऐसे ही कोई वक्ता थे वहां तो वो कथा कर रहे कथा कर रहे लोग जो है सुन के छक गए तो वो जाकर के अलग अलग अपने अपने कार्य में जाने लगे और उसने कहा कि भाई देखो कोई एक व्यक्ति भी सुनता रहेगा तो मैं बोलता रहूंगा एक अंतिम व्यक्ति बैठा सुन रहा रात्रि हो गई उससे नहीं रह गया उसने बोला कि कि आप जो है ये कथा कब बंद करेंगे अपना ये भाषण कब बंद करेंगे बोले आप जब तक सुनेंगे बोले मैं सुनने के लिए नहीं बैठा हूं आप बंद करेंगे तो मैं सारा सामान उठा कर ले जाऊँगा इसलिए बैठा हूँ आपकी कथा सुनने के लिए आपके जो ये वाणी है ना इतना इसमें सार्थकता नहीं है तो कहने का आशय क्या है कहने का आशय यह है कि लोगों का स्वभाव बोलने का है हमारी जो परंपरा है ऋषियों की जो परंपरा है वो श्रुति परंपरा है सुनना भी है योग्यता के अनुसार समय के अनुसार बोलना भी है सुनना और बोलना उसको जीना परस्परता में रहना तो उसके अनुसार जो हम बोले उसके अनुसार कर्म करने वाले बने बोलो चालो बको मत खाओ पियो छको मत खेलो कूदो थको मत देखो भालो तको मत हम जो बोले कथनी और करनी इनमें अंतर नहीं होना चाहिए कथनी और करनी हमारी एक हो जो हम बोले उसको करने वाले बने और हे दसरा सब दुखों का क्षय करने वाले तथा वृष्णा सुखों का वर्षण करने वाले प्राण आपानो। आप हमारी मनीषा बुद्धि व विचार शक्ति को कृतम अति परिष्कृत बना दीजिए हमारी बुद्धि ठीक विचार करने वाली हो ठीक विचार देने वाली हो बुद्धि ठीक होने पर विचारों की उत्तमता से हमारे दुख दूर होते हैं और सुखों की वृद्धि होती है प्राण आपानो में वाम आपको अद्युत अद्युत जो द्युत जुमे से जो है नहीं कमाया गया उस अवसे धन के लिए नी हुए निश्चय से पुकारता हूँ हम संसार में जो जुआ है जो सट्टेबाजी है लॉटरी है या अलग अलग जो धर्म से युक्त कर्म नहीं है ऐसे कर्मों को हम कभी ना करें ऐसे कर्मों के लिए हम सदा ही अपने जान के अनुसार ही कर्म करें अविवेकपूर्ण पूर्ण पूर्वक कर्म ना करें जो धन है वो धर्म पूर्वक कमाया होना चाहिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष धर्म से युक्त अर्थ हो अर्थ के बिना तो सब अनर्थ है अर्थ के बिना हम समर्थ नहीं हो सकते धर्म भी अर्थ से चलता है लेकिन धर्म पूर्वक कमाया हुआ अर्थ धर्मपूर्वक कमाया हुआ धन हमारे जीवन को धन्य कर देता है नहीं तो निधन तो होना ही होना है वह संपत्ति विपत्ति लाती है जो धर्म पूर्वक नहीं कमाई जाती है इसलिए धर्म से युक्त धनार्जन हो प्राण साधना करने वाला श्रम से ही धनार्जन को ठीक जो है समझता है वह द्युत वृत्ति से जुआ खेलना सट्टेबाजी करना उससे वो कभी भी धन को नहीं कमाता यह प्रार्थना करता है कि हे प्राणापानो आप वाज सातो शक्ति के निमित्त अथवा इस जीवन संग्राम में न हमें जो है हमारे वृद्धि वर्धन के लिए भवतम हो प्राण साधना के द्वारा शक्ति की ऊर्ध गति होने पर हम शक्ति संपन्न बनते हैं और संसार संग्राम में सदा विजयी बनते हैं हम संसार में यदि विजयी बनना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले अपने मन पर विजय पानी होगी अपने वाणी पर विजय पानी होगी अपने शरीर के जो चेष्टाएं हैं जो कर्म हैं उन पर हमको विजय पानी होगी जब हम बिना आ, किसी जो है राग द्वेष के बिना किसी मान अपमान लाभ हानि जय पराजय बिना किसी चाहना के अपने स्वकर्म का स्वकर्तव्य का स्वधर्म का पालन करने में रुचि रखने वाले होंगे तो निसंदेह हमको सदा ही विजय मिलेगी कभी हम पराजित नहीं होंगे हम पराजित कब होते हैं जब हम स्वयं अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते मन के बहकावे में आ जाते हैं हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है अपने वाणी पर हमारा नियंत्रण नहीं होता कुछ भी कभी भी असंतुलित वाणी का हम प्रयोग कर देते हैं और कुछ भी बोल देते हैं तो तभी हमारा पतन होता है तभी हमारा जो है अकल्याण होता है तभी हम हंसी के पात्र बनते हैं उपहास के पात्र बन जाते हैं प्राण साधना से हम वाणी के अनुसार कर्म करने वाले होते हैं वाणी हम वही बोलते हैं जो हम करते हैं करने का सामर्थ्य रखते हैं और ऐसी वाणी का हम प्रयोग कभी नहीं करते कुछ भी हो जाए हम उन बातों को नहीं बोलते जो वास्तव में अमर्यादित हैं हमारे लिए कल्याणकारी नहीं संसार के लिए कल्याणकारी नहीं है हम जो है सदा ही ऐसे हृदय में भाव संजो कर रखते हैं कि मैं वो बोलूं जिससे मेरा भी और समाज का कल्याण हो हमारी बुद्धि परिष्कृत हो जाती है हमें श्रम से धनार्जन रुचि पूर्वक धनार्जन की प्राप्ति होती है संसार संग्राम में हम विजयी बनते हैं इसमें कोई भी संदेह नहीं है हमारा सौभाग्य तभी जो है आ, होता है जब हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और निराभिमानी होकर के करते हैं इसलिए बहुत सुंदर बात कही है कि ओम हमको सदा सदबुद्धि संपन्न कीजिए यज्ञ में जीवन बने वह शक्ति हमको दीजिए यज्ञ से लेकर के शिक्षा सर्वहितैसी हम बने भावना उपकार की प्रदान भगवान कीजिए ओम हमको सदा सद्बुद्धि संपन्न कीजिए यज्ञ में जीवन बने वह शक्ति हमको दीजिए पापों से बचते रहें तो दुख भी सारे दूर हों कामनाएं ऐसी भगवन आप पूर्ण कीजिए यज्ञ से सुख शांति पावे जीव सारे विश्व के गोद में भक्तों को अपने दुख भंजन कीजिए यज्ञ में जीवन बने वह शक्ति हमको दीजिए यज्ञ के प्रेमी बने और यज्ञ दैनिक हम करें हृदय मंदिर में दयालु आप दर्शन दीजिए यज्ञ जीवन में बने वह शक्ति हमको दीजिए यज्ञ हित जीवन मरण हो यज अंतिम ध्येय हो प्रार्थना स्वीकार सबकी करुणा नंदन कीजिए दीन दुखियों की सेवा में हम सदा तत्पर रहें ऐसी कृपा और अनुग्रह हम पर भगवन कीजिए ओम हमको सदा सद्बुद्धि संपन्न कीजिए यजमय योग में जीवन बने वह शक्ति हमको दीजिए वह शक्ति हमको दीजिए सद्बुद्धि संपन्न कीजिए हम ऐसे दिव्य भावों से युक्त होकर के अपने कर्मों का अनुष्ठान करते रहे और सदा ही आत्मकल्याण से विश्व कल्याण की भावना को प्रबल करते रहें इन्हीं भावों के साथ आज के इस स्वाध्याय को यहीं पर विराम देते हैं शेष अगली कक्षा में ओ शांति शांति शांति